सात संगत जी, प्यार से कहना, धन अहंकार जी, भाव तो वही था कि ये भक्ति हमारे जीवन में कैसे पक्की होती जाए, कि सिर्फ ये भक्ति को अगर हम ये समझ लें कि हमने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो अब हम भक्त बन गए हैं, तो भक्ति तो तब तक नहीं शुरू होती जब तक हम ये समझें कि वो सारे जो ग्रंथ है वो कह क्या रहे हैं। और वो सब यही कह रहे हैं कि हम इस जीवन काल में ये जीते जी इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें कि कैसे हम क्या है, हमारा असली जो रूप है, हमारी आत्मा का जो एक शुरू कहाँ से हुई, आत्मा का जो अंश परमात्मा से निकली है, तो ये परमात्मा की जानकारी जिसका बोध हो सकता है। तो ये जीवन अगर हमने चाहे कितने भी साल जिया हो पर उसमें ये हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ हो, परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तो ये जीते जी जब हम इस परमपिता परमात्मा को जान सकें, उसको पहचान कर अपने जिंदगी में डालें, हर पल में ये एहसास रखें परमात्मा का, तो ही जीवन सही मायने में जिया जा रहा है। हर जगह पर यही बात संतों ने यही सत्संग में भी फरमाया कि हम कैसे अपने आप में अपने मानवीय गुणों को और पक्का करते रहें, कैसे हम पल पल एक अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें, कैसे हमने इस जीवन में जीना है, ज़िंदगी में जीना है और उसी समाज में जीना है, पर साथ ही साथ हम कैसे वो ज़िंदगी को जीते हुए ये संसार का प्रभाव ना लें अपने ऊपर, पर ये परमपिता परमात्मा निरंकार का प्रभाव पहले हमारे अंदर असर करे, फिर हम अपने समाज तक भी ये बात पहुंचाएं, अपनी दुनिया तक भी ये बात पहुंचाएं कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला है इससे कैसे जीवन सुधारा जा सकता है। और फिर जब अंतकाल आएगा, जब ये मृत्यु होगी, तो ये पार उतारा भी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अभी जैसे हरदेव वाणी के शब्द में सुन रहे थे, हाँ जी, तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के दिल में जगह बनाती है। तो इस हरदेव वाणी के शब्द में यहाँ जहाँ एक तन की सुंदरता की बात आ रही है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये किसी का हम तन देखते हैं, वो खूबसूरती अगर हम एक दिन नज़र आ रही है, तो वो खूबसूरती देखने के लिए हमें जो आंखें मिली हैं, हम उसको देख के वो अप्रिशिएट तो करते हैं कि ये ठीक है, किसी ने इतनी मेहनत करके अगर कोई एक्सरसाइज की है या फिर कैसे भी अपने योगा करके सेहत का ध्यान रखा है, और वो चाहे कैसा भी आकार उसने अपने शरीर का बनाया मेहनत करके खूबसूरत सा, तो वो एक वाकई ही बहुत मेहनत की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर है, पर ये चीज़ आँखों ने देखी है। पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिले जिससे हम कुछ पल बात करें, चाहे उसके शरीर में वो उतनी मेहनत ढल के इतनी खूबसूरत एक मसल्स, एक टोन, एक डेफिनेशन ना हो, फिर भी उससे कुछ पल जब बात की जाए और पता लगे कि कैसा ये व्यक्ति का मन है, कितने प्यारे इसके विचार हैं, और ये कैसे इतना मुस्कुराते हुए इसकी बोली भाषा में कितना प्यार है, और बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हैं, जब ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं तो फिर वो बात आ जाती है कि शरीर की सुंदरता तो आंखों ने देख ली, पर एक चरित्र एक इंसान के जो है वो मन में इस तरह बैठ गया कि हम इंतज़ार करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमें मिला था वो अगली बारी कब मिलेगा फिर से। बहुत मुबारक है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है और इस शरीर को ज़िंदगी भर ठीक रखने की मेहनत हमारी है, तो वो बहुत मुबारक है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने मन को साफ़ रखने की जो बात आती है कि मन को कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे ये जब हमें पता है कि ये परमात्मा तो अंग संग 24 घंटे है, तो कैसे हम
अपने मन में फिर भी वो विकार आने देते हैं, नफरत आने देते हैं, निंदा आने देते हैं, और भी ऐसी तंग दिली और कितना कुछ हम अपने जीवन में फिर भी इनवाइट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए किसी काम की नहीं है वो चीज़ें। तो हमें ये चीज़ें को दूर रखना है। ये सुमिरन रूप हमें मिला है परमपिता परमात्मा का, जहाँ एहसास करते हुए अपनी की गई गलतियों को बख्शवाकर जब हम ये एहसास करते हैं तो ये हमारे दिल का ये जो आईना है ये भी साफ हो जाता है। इसके अंदर और टिक कर ये निरंकार का एहसास हो पाता है, और संगत और सेवा रूप का भी जो बात है वो भी हम इसी शरीर से काम लेंगे, इसी मन से काम लेंगे, और यही लिव निरंकार से ज़्यादा जितनी जुड़ती जाए उतनी हमारी जिंदगी और खुशबूदार बनती जाएगी। हाँ जी, जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन का ला निश्चित है, उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। तो अगर किसी पे यही ये उदाहरण सिर्फ एक शरीर की दे रहे हैं, पर अगर हम देखें तो प्रकृति में भी कितनी खूबसूरती है, इंसानों में भी कितने अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी की बात आती है। जो जहाँ का रहने वाले इंसान होते हैं उनकी शक्ल का आकार, उनके ये त्वचा का रंग, वो उसी हिसाब से होता है। तो ये चाहे ये मुख तो उजले वाली बात जो आ गई कि एक कैसे एक शक्ल की बात है कि हर किसी में वो निरंकार ने इतनी सुंदर शक्ल सभी की बनाई है, तो वो जो खूबसूरती है चेहरे पे वो तब तक ही मुबारक है जब तक वो मन उसी व्यक्ति का इतना साफ हो। नहीं तो वो खूबसूरती होते हुए भी, वो एक ऐसे भाव होते हुए भी कि कैसा बात कर रहा है, अगर चुभ रही है वो उसकी बात, तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना सुधार भी कर रहा है या दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, तो ऐसे उसके मन में भाव हैं। तो अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए, तो हमें अपने अंदर जो हमारा मन है इसको हमने साफ रखना है, अपनी सोच को साफ रखना है, अपने व्यवहार को साफ रखना है, अपने ये जो भी हमारे कर्म हैं अपने कर्मों में कुछ भी चलाकी ना करते हुए, बस उस भाव से कि कुछ भी अगर कर रहे हैं तो ये समर्पित भाव है, ये दातार तूने कराना है, ये तेरे को अर्पण है जीवन, तो ऐसा ही जीवन ऐसी ही सांसें ऐसा जिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही उससे व्यवहार से झलके, सोच से झलके, कर्मों से झलके। तो इसी शब्द में जहाँ बार बार ये खूबसूरती का एग्जाम्पल लेते हुए कर रहे हैं, पर भाव यही है कि हम यहाँ कितने जो बैठे हैं, चाहे गुलदस्ते का एग्जाम्पल लें, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, तो ऐसे ही अगर हमने मनुष्यों ने अपने आप में कोई अलग रंग या अलग कहीं के रहने वाले या पहनावे या जाति को लेकर अगर ऐसा कुछ हमने मन में एक अलग दूसरे को समझा या दूसरे को अपने जितना श्रेष्ठ नहीं समझा, तो ये तो हमारी गलती है। ये तो हमारे ऐसे सोच है जो हमारे मन को बहुत मैला कर रहे हैं, और हमें हर एक में ही इस परमात्मा का जो दीदार करना है, सभी के अंदर, सभी के अंदर एक ही आत्मा है और यही एक आत्मा परमात्मा की दात है, उसी का अंश है। तो फिर कोई सवाल ही नहीं कि किसी से हम उस बेसिस पे नफरत करें कि ये कहीं का है या इसके खाने पीने का स्टाइल मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। तो हमें हर एक में इसी प्रकार जब परमात्मा नज़र आएगा तो फिर हमारा मन अपने आप साफ हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी का एक मोल लग जाएगा, हम भी ऐसे काम करेंगे जो हमारी गिनती फिर संतों में होएगी, ना कि ऐसे व्यक्तियों में जो बिल्कुल एक जिंदगी खराब करके जी रहे हैं। हाँ जी, सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तो हमें कैसे इस उदाहरण में बार बार ये सूरत और सीरत, ये खूबसूरती का जो बार बार जिक्र हो रहा है, तो वो यही बात आ रही है कि हमारी चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हमारा
कैसे भी हम अपने आप को जहाँ चला रहे हैं जीवन में, हमारी जो भी एक कल्चर है वो बहुत ही सुंदर अगर है तो उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना, हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम इतने अच्छे दिखते हैं, हम ऐसा करते हैं तो फिर चाहे हम व्यवहार अपना दूसरों से खराब रखें, किसी के आगे बदतमीजी से बोलें या कुछ ऐसी बात करें, गाली गलौज करें, ये फिर हमको शोभा नहीं देता। हमारी अगर सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है वो बहुत ही सुंदर है, पर साथ में अपने किरदार को हमने सुंदर बनाना है, अपनी सोच को, अपने हर चीज़ में एक ज़िंदगी के ऐसे ऐसे पहलुओं को हमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत बनाने की ओर फोकस करना है। क्योंकि जब ये खूबसूरती अगर दिख भी रही है किसी को तो फिर वो कुछ पलों के लिए ही सिर्फ उसकी वाहवाही ना हो, जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा उस खूबसूरत शक्ल को तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे, तो ही हम अपने आप को भी एक सही मायने में सुंदर इंसान बोलने के काबिल बना सकेंगे। हाँ जी, तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। तो वही बात की एक शकल और एक मन की बात हो रही है कि कैसे अपने सूरत को, तो हम प्रतिदिन सुबह उठ के जब तैयार भी हो रहे होते हैं तो हमारा दिन शुरू होते ही हम अपने आईने में एक घर के देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप की शकल ये संवारना शुरू कर देते हैं, पर हम उस समय भी ये फोकस नहीं करते कि ये तन की खूबसूरती, ये शकल की खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन में एक पावन निर्मल गुण हम रखें कि वो हमारा मन ही साफ सुथरा रहे, किसी के लिए हमारे मन में ये बुरे ख्याल ना आए, एक ऐसा एक नफरत का भाव ना रहे। तो ऐसे आईने तो बहुत होते हैं, पर अगर हम ये मान के चलें कि कोई अगर ऐसा आईना है जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो पर उसको अपने आगे रखें तो हम एक किस तरह के एक इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है, अगर वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए तो हो सकता है हम अपने आप को भी एक अपने आप को पहचानने तक नहीं पाएंगे उस आईने में, क्योंकि हम कहीं बार अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ तो मान लेते हैं कि हमको लगता है हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। पर अगर वही बात रखें कि ऐसा आईना जो हमारा मन दिखाए हम कैसे इंसान हैं, हमारे को उस बात का अवगत कराए, तो फिर हमें ये पता लगेगा। और हम तो इतने लकी हैं, इतनी कृपा है कि हमको तो ये सत्संग रूपी आईना जो प्रतिदिन के लिए मिला हुआ है कि कैसे अगर हम रोज़ झाड़ू लगा रहे हैं घर को साफ रखने के लिए तो एक दो दिन ना भी लगे तो बहुत उसका कचरा नज़र आ जाता है। तो इसलिए सत्संग भी हम जब रोज़ करेंगे अपने मन का वो जो भी गलत ख्याल है मन में वो जाते रहेंगे धीरे धीरे और मन बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो फिर उस पल के बाद ही हम अगर ये देखें कि फिर चाहे दुनिया का कोई भी आईना हमारे सामने आए तो वो शक्ल तो दिखाए, उसके अलावा अगर हमें अपने आप की भी पहचान कराए, अपने मन नज़र आए उसमें, तो उसमें भी हमारी कोशिश यही रहे कि अपने मन को कैसे हम साफ देख सकें। हाँ जी, निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव के मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। कि कैसे ये निरंकार की अगर हम व्याख्यान करें तो फिर ये जो बात होती है कि निरंकार के क्या गुण हैं, कि ये तो निर्गुण निर्मल और इतने उसका जो ठहराव की बात आती है कि सिर्फ यही है निरंकार जो एक स्थिर है, बाकी संसार की पूरे ब्रह्मांड की ऐसी चीज़ें बाकी कुछ भी कायम दायम रहने वाली नहीं है। तो हम अगर ये कोशिश करें कि हम निरंकार के जो गुण हैं अपने अंदर भी लाएं, वही ठहराव लाएं, वो विशालता लाएं, वो प्यार लाएं, वो एक एक खूबी जो अपने अंदर हम बसा सकें, तो अगर हम उसको बसा पा रहे हैं तो हम वी आर बिकमिंग मोर लाइक गॉड, वो निरंकार के जैसा हम और बन सक रहे हैं। और यही जो खूबी है
कि अपने मन को जब हम साफ रखेंगे तो फिर हमको एक ऐसा संसार मिलेगा, अपने आप से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने मोहल्ले से, अपने देश से, फिर ये पूरे संसार में एक, ये जो बार बार वननेस की भी बात हम सुनते हैं कि कैसे एकत्व, ये कैसे एक पूरे संसार में इस्टेब्लिश हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। कैसे हम ये भाईचारा, प्रेम, निम्रता, ये दुनिया जो दीवार रहित हम चाह रहे हैं कि एक भेदभाव ना हो, एक ऐसे हमने अपने आप को इतना तंग दिल नहीं करना, अपनी नज़र को इतनी नैरो माइंडेड नहीं करना कि चाहे कितनी भी दीवारें हमारे आगे खड़ी हो जाए हम उसमें इतने फंस गए, हमें तो ये दीवार तोड़कर एक पुल का काम करना है। तो कैसे हमने हर एक के दिल तक पहुंचना है, कैसे हमने ये समदृष्टि वाली भावना रखनी है, एक हर तरफ संसार में अमन के लिए हमें कैसे खुद एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक को उसकी छोटी सी गलती पे उसको कोसे नहीं, बल्कि एक क्षमा के भाव रख के दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी। कैसे हमने फिर वो संसार में एकता का एक प्रतीक बनना है कि कैसे हमारे एक एक दिन के पल में अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमको सुख दे रहा है, हमको ठीक रख रहा है, ऐसे न जाने हमें पता भी नहीं लगता, काफ़ी बाहर के भी हमें अगर देखते हैं व्यक्ति, कोई अजनबी होते हैं, कुछ देर की बस यात्रा भी साथ करके वो उतने में ही जानना चाहेंगे कि आपका स्वभाव तो बहुत ही ठहराव वाला है, आपके अंदर बहुत गुण देखने को मिले, तो आप ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी हम सब नहीं करते। तो ऐसे हमारे जीवन में जो बात आती है कि हमें इस निरंकारी मिशन का चलता फिरता जो प्रचार बनना है, वो सिर्फ हमारी बातों से नहीं, हमारे कर्मों से ज़्यादा बाकी सबको नज़र आएगा। तो कैसे हमने एक जो विश्व में शांति का प्रतीक बनना है, कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये खुशबू ऐसी रखनी है कि एक फूल की तरह जो मसलने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है, कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और अगर चलते चलते किसी दूसरे व्यक्ति का गलती से पैर हमारे पैर पे पड़ जाए तो हम उसको आगे से गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर बोल दें, तो वो हमें नहीं करना है। हमको हर एक के लिए ये क्षमा का भाव मन में रखते हुए, हर एक के लिए ये दया करुणा अपने अंदर रख के कि कैसे हमने एक सिर्फ अपने सुपरफिशियल, एक सिर्फ अपने तन के लिए ही प्रयत्न नहीं करना पूरे दिन में कि हम थोड़ा बेहतर दिखने लगें, पर बात वही है, मन की बात है। ये जितना ज़्यादा हम परमात्मा के करीब अपने आप को जोड़ेंगे, ये निरंकार हमारे अंग संग है, पर उसके साथ अपना कनेक्शन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा सेवा में ध्यान लगाएंगे, सिमरन में, सत्संग में, तो उतना हमारा मन के ऊपर जो मेहनत है वो ऐसे ही होती है कि हमने अपने मन को भी फिर वो निरंकार जैसा ठहराव, वो गुण उसमें भी आएंगे जब, तो अपने आप हमारी ये ज़िंदगी सुधरती चली जाएगी और फिर हमारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हमारी शक्ल तो हमने सुंदर बना ली पर जो नज़र है, जो दूसरे को नीचे देखती है, अपने आप को ऊंचा देखती है, ऐसी नज़र हमारी बदल जाती है। तो फिर हमारी नज़र ने भी हर एक में अपना ही सूरत देखना है, वो फिर आईना हमारा उस तरह बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। फिर हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि समय अब हो गया है सत्संग समाप्ति का। करदातार सभी पे कृपा करे कि ये लगन जो है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति सभी की, ये लगन और बढ़ती जाए और अपने आप को हर कोई परमात्मा निरंकार के करीब और करता जाए। सत्संग जी, धन निरंकार।